सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट कार एंड टेक्नोलॉजी अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक टिप्स एक्सपर्ट। आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी अबाउट एसी वर्सेस नॉन एसी फ्यूल कंजप्शन के बारे में, और इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी किया जाएगा कि अगर एक्चुअल में एक कार को विदाउट एसी ड्राइव किया जाए और उसकी माइलेज को नोट किया जाए, और अगेन उसी कार को उन्हीं पैरामीटर्स के साथ सेम रूट पे विद एसी ड्राइव किया जाए तो उसकी एक्चुअल फ्यूल कंजप्शन में कितना फ़र्क आएगा, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आपकी कार एसी स्विच ऑन करने से ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन करती है तो आप अपने एसी का एक प्रॉपर चेकअप करवाएं। इस वीडियो में मैं कार एसी की इफ़ेक्टिव कूलिंग के बारे में भी कुछ टिप्स शेयर करूँगा कि कार एसी की कूलिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। नॉर्मली एक मिथ बना हुआ है कि कार एसी को स्विच ऑन करने से माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, तो उसको हम प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि वो टोटली रॉन्ग है। अगर रिसर्च ग्राउंड पे बात की जाए तो इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो भी पब्लिश हो चुकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उन रिपोर्ट्स में कार की एरोडायनामिक शेप भी काफ़ी मैटर करती है, लेकिन हम एक कार की एवरेज एरोडायनामिक शेप को माइंड में रख के कंक्लूजन करेंगे कि बिलो 60 किलोमीटर पर आवर अगर आप विंडोज़ ओपन करके विदाउट एसी कार ड्राइव करेंगे देन इट कैन बी इफेक्टिव टू सेव फ्यूल। उससे आपका फ्यूल सेव हो सकता है, लेकिन अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा पे ड्राइव कर रहे हैं और आप विंडोज़ ओपन करके एसी को स्विच ऑन नहीं करते तो आपकी कार उससे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी कंपैरेटिवली टू दैट कार कि जिसमें आपने एसी को ऑन किया हुआ है और विंडोज़ क्लोज की हुई हैं, क्योंकि उस केस में कार विंड रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। सो 60 किलोमीटर पर आवर की ऊपर की स्पीड पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप एसी को स्विच ऑन कर लीजिए, उससे आपकी फ्यूल सेव होगा। ये तो थी एक जनरल इन्फॉर्मेशन, सो लेट्स कम टुवर्ड्स द एक्चुअल टॉपिक। इस वीडियो में कार को दो फेजेस में ड्राइव किया गया है। फर्स्ट फेज़ में कार को विदाउट एसी ड्राइव करके उसकी एक्चुअल माइलेज को नोट किया गया है, और सेकंड फेज़ में उसी रूट पे सेम पैरामीटर्स के साथ कार को विद एसी ड्राइव किया गया है और इसकी माइलेज को नोट किया गया है। इन द एंड दोनों माइलेज को कंपेयर किया गया है और कंक्लूजन जो है वो हमारे सामने होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी, कार न्यूज़ और अपकमिंग कार्स की बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो वॉच अदर अपलोडेड वीडियोस। नाउ आई एम गोना शेयर सम टिप्स फॉर कार एसी इफेक्टिव कूलिंग। इन टिप्स की मदद से आप अपने कार एसी की कूलिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, फैन स्पीड शुड बी ऑन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। फैन स्पीड को फर्स्ट या सेकंड पॉइंट पे रखें और उसको फुल ब्लास्ट पे ऑन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कार इंजन को रिदम में आने के बाद एसी को स्विच ऑन करना अपनी हैबिट बना लें, क्योंकि ये चीज़ भी ऑब्जर्व की गई है कि बहुत से लोग कार को स्विच ऑन करने के बाद फौरन से एसी ऑन कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। कार इंजन को रिदम में आने के बाद एसी को स्विच ऑन करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। इस तरह करने से कार इंजन पे फौरन से लोड नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ ये टेक्निक आपका फ्यूल भी सेव करेगी, क्योंकि लो आरपीएम पे कार एसी को स्विच ऑन करने से इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है कंपैरेटिवली टू हाई आरपीएम, क्योंकि उस टाइम इंजन एक रिदम में आ चुका होता है। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज यूज विंडोज ब्लाइंडर्स फॉर एफिशिएंट कूलिंग। हमेशा जब भी एसी को स्विच ऑन करें उससे पहले विंडोज पे ब्लाइंडर इंस्टॉल कर लें ताकि सनलाइट डायरेक्ट अंदर कैबिन में एंटर ना हो सके। पॉइंट नंबर 3, कार एसी को हमेशा 2 से 3 साल के बाद सर्विस करवा लें। पॉइंट नंबर 5, अगर आपकी कार में केबिन एयर फिल्टर इंस्टॉल है तो उसको रेगुलर इंटरवल पे क्लीन करना अपनी हैबिट बना लें, क्योंकि केबिन एयर फिल्टर क्लीन ना होने की वजह से एसी की एयर थ्रो कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, चेक एसी बेल्ट्स। अगर बेल्ट पे क्रैक हो या स्लिपेज हो या बेल्ट प्रॉपरली टाइट ना हो देन उनको रिप्लेस कर दें, क्योंकि बेल्ट लूज होने की वजह से कार एसी की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। पॉइंट नंबर 7, ऑलवेज चेक गैस प्रेशर। एसी गैस प्रेशर को भी रेगुलर इंटरवल्स के बाद मॉनिटर करते रहें। अगर उसमें लीकेज डिटेक्ट हो या फिर गैस प्रेशर लो हो तो फौरन से गैस फिल करवा लें। ये तो थी कार एसी की इफेक्टिव कूलिंग की कुछ टिप्स। अगर आपको टिप्स पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द एक्चुअल टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसी वर्सेस नॉन एसी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कार को दो फेजेस में ड्राइव किया गया है। पहले फेज में कार को विदाउट एसी ड्राइव किया गया है और उसकी फ्यूल कंजप्शन को नोट किया गया है, और सेकेंड फेज में कार को विद एसी ड्राइव करके उसकी फ्यूल कंजप्शन को नोट किया गया है। अभी आपको स्क्रीन पे टेबल शो हो रहा है जिसमें कार को नॉन एसी ड्राइव करने के बाद उसकी
की एवरेज को कैलकुलेट करके शो किया गया है एंड आफ्टर 3000 किलोमीटर टोटल एवरेज फ्यूल कंजप्शन को कैलकुलेट करके शो किया गया है दैट इज 20.14 किलोमीटर पर लीटर। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द सेकंड फेज जिसमें कार को विद एसी ड्राइव किया गया है विद द सेम पैरामीटर्स। सेम पैरामीटर मींस लोड ऑन द कार, सिलेक्टेड रूट, ड्राइविंग स्पीड और इवन पेट्रोल भी सेम फिलिंग स्टेशन से रिफिल करवाया गया है। और विद एसी ड्राइव करने के बाद जो टोटल एवरेज फ्यूल कंजप्शन हमारे सामने आई है दैट इज 19.11 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन याद रहे कि इसमें एक पैरामीटर पे थोड़ा सा कम्प्रोमाइज किया गया है। एक सेकेंड फेज में कार को मोस्टली वन पैसेंजर के साथ ड्राइव किया गया है लेकिन फर्स्ट फेज में कार को मिक्स नंबर ऑफ पैसेंजर के साथ ड्राइव किया गया है। नाउ लेट्स कंपेयर बोथ रिजल्ट्स। एसी वर्सेस नॉन एसी फ्यूल कंजप्शन का जो डिफरेंस है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। विदाउट एसी हमें जो फिगर मिला है दैट इज 20.14 किलोमीटर पर लीटर और विद एसी हमें जो फ्यूल कंजप्शन मिली है दैट इज 19.11 किलोमीटर पर लीटर। सो ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि कार एसी को स्विच ऑन करने से जो टोटल माइलेज डिक्रीज हुई है दैट इज 1 किलोमीटर पर लीटर। हालांकि दोनों फेजेस में ड्राइविंग पैरामीटर्स सेम रहे, जस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हैं वो डिफरेंट थे लेकिन उससे माइलेज पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी कार का एसी वर्सेस नॉन एसी फ्यूल कंजप्शन का कितना डिफरेंस है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर करें। और अगर एसी को स्विच ऑन करने से आपकी गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ये थी आज की वीडियो। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।